नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। मैंने इसमें 27 फंदे का बनाया है और ये डोरमेट बहुत सुंदर बनके तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ये तीन कलर का मैंने डोरमेट बनाया है, ये ग्रीन, ब्लू और रेड, और इसमें मैंने 27 फंदे डाले हैं टोटल। और ये 8 फंदे हमने ये ग्रीन कलर से डाले हैं और 19 फंदे मैंने ये ब्लू कलर से डाले हैं। ये अभी मैं ये दो कलर ही लगाऊंगी, बाद में रेड लगाती हूँ। अब ये हम ब्लू कलर से ये फंदा हम उतार लेंगे और पूरी लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे इस तरह से। पूरी लाइन हम ये देखिए, हमने ये एक सलाई पूरी ये ब्लू वाली बिल्ली ब्लू कलर से। अब हम यहाँ पे ब्लू कलर ला, अब हमको ये फंदे हमारे जो 8 फंदे हमने ग्रीन से बिने हैं ग्रीन कलर से बिनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए 2, 6 बिन लिए और 2 फंदे हम इस लाइन में छोड़ देंगे। ये हमारे 8 फंदे हैं और सीधी सलाई हम पूरी ऐसे बिनेंगे। ये हमारे ग्रीन फंदे, ये पूरी लाइन ग्रीन से बिनेंगे। ये देखिए हमने ग्रीन वाले पूरे फंदे ग्रीन से बिना और इस धागे को पीछे किया और इसको क्रॉस में आगे लाएंगे नीचे से इस तरह से। और ये हमारा जोड़ है, यहाँ पे हमें फंदा टाइट रखना है दोनों तरफ से फंदे। ये देखिए हमने बना लिए, अब हम 2 फंदे छोड़ देंगे इस तरह से और धागा बीच से निकाल लेंगे ये। और ये सीधी सलाई हम पूरी ऐसे ही बिन लेंगे उल्टी उल्टी, ग्रीन वाले फंदे ग्रीन कलर से और ब्लू वाले फंदे ब्लू कलर से। ये देखिए इस तरह से हम पूरा बना लेंगे, ये हमने बिन लिए। अब हम इस धागे को पीछे करेंगे इस तरह से और ब्लू वाले को नीचे क्रॉस से लाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जोड़ है, हमें ऐसे ही बनाना है हर बार और इसको दोनों फंदे टाइट करना है, सफाई से बनाना है, नहीं तो हमारा जोड़ अलग अलग खिंचा खिंचा सा लगेगा और वो देखने में डिजाइन सुंदर नहीं लगेगा। ये पूरा ऐसे ही हम बना लेंगे पूरी लाइन और ये हमारी पूरी सीधी सलाई जैसी है वैसे ही बनाना है। ये देखिए, ये एक सलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बीन ली। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी लाइन लास्ट तक बीन ली। ये देखिए, अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए और ये फंदा उतारेंगे और इसे घुमा के फिर पूरा ऐसे बीनेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, इसको हम पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बीन लेंगे जैसा है। ये हमने बीन ली पूरे फंदे। अब हम ये फंदा इस तरह से ऐसे करेंगे और इसको नीचे से इस तरह से बीन लेंगे और थोड़ा सा टाइट करेंगे दोनों फंदे को, टाइट बनाएंगे जोड़ है। और उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार 2, हमने 4 फंदे छोड़ दिए। ये देखिए, 1, 2, 4 फंदे हमने छोड़ दिए। फिर से हम सीधी साइड में आ गए और सीधी साइड में ये फंदे, ये देखिए ग्रीन
ग्रीन वाले फंदे हमने ग्रीन कलर से बीन लिए पूरे जैसे हैं वैसे ही, और इसको पीछे करेंगे और ब्लू वाले को आगे लाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और पूरी लाइन हम ऐसे यहाँ तक लास्ट तक बीन लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लास्ट तक पूरी सीधी सिलाई बीन ली, ये इस तरह से। फिर से हम ये साइड में आ गए, ये फंदा हर बार उतारेंगे, एक बार बीनते हैं एक बार उतारते हैं इस तरह से, और पूरी लाइन फिर से हम उल्टी उल्टी बीन लेंगे। ये देखिए पूरी लाइन हमने ऐसे उल्टी उल्टी बना ली है। ये हमारा जैसा है वैसे ही हमें बनाना है पूरा। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा इसको उल्टा उल्टा बीन लिया। ये देखिए इस बार हम फिर से ग्रीन कलर पे आ गए, हमें सेम उसी तरह से करना है। इस फंदे को इधर ऐसे करना है और इधर हमें ये ऐसे बीन लेना है और दोनों को टाइट रखना है। उस बार हमने दो फंदे, ये देखिए अब हमने छह फंदे छोड़ दिए, ये हमारे टोटल आठ फंदे थे, छह फंदे हमने छोड़ दिए। अब फिर से ये ऐसे बीन लेंगे और इसको इधर पीछे कर देंगे और ये पूरी लाइन इसको खींच के आगे लाएंगे और दोनों तरफ से हम टाइट फंदे रखेंगे और पूरी लाइन फिर से हम उल्टी उल्टी ऐसे बना लेंगे यहाँ लास्ट तक, यहाँ तक बुन लेंगे फिर दिखाते हैं। ये देखिए हमने बीन लिया, ये हमारी एक जो हमने बॉर्डर डाला था, एक दो तीन चार, ये चार गांठें आ गई। अब हम फिर से ये उल्टी साइड में आ गए और यहाँ हमने दो दो करके छह फंदे छोड़ दिए, तो हमारी तीन सलाई हो गई हैं यहाँ पे। और ये हम ये देखिए ये फंदा उतारेंगे और हमने ये दो फंदे बीन लेंगे, ये तो हमारे तीन फंदे हैं। अब ये हमारे सोलह फंदे हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये हमारे टोटल सोलह फंदे हैं। ये डिजाइन अब हम ये जो हम यहाँ पे जो लीव्स बनाते हैं वो चार के सेट में ही बनती हैं, इसलिए हमें कोई भी फंदा डालते समय ये ध्यान रखना कि ये हमारा चार के सेट। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और ये दो फंदे को ऐसे रख लेंगे और ये देखिए हम रेड कलर से अब हम ये सोलह फंदे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमको जोड़ में इस तरह से बनाना है और पूरा ध्यान रखना है, जोड़ कहीं भी हो आप ध्यान से बनाइए क्योंकि जोड़ में हमारे बहुत सफाई चाहिए, अगर सफाई नहीं रहेगी तो वो अलग अलग से और जाली जैसा दिखेगा और हमारा डोरमेट सुंदर नहीं लगेगा। ये देखिए हमने पूरे फंदे इस तरह से ये हमने बीन लिए। ये देखिए ब्लू वाले हमने पूरे ये सोलह फंदे हमने बीन लिए। अब हमको ये दो फंदे और छोड़ने हैं यहाँ पे क्योंकि अब ये हमारी चौथी सिलाई है, इसलिए हम ये चौथे फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए तो हमारे अब ये ग्रीन के पूरे छूट गए। अब हम क्या करेंगे, वैसे हम ऐसे करके बनाते थे, अब हम इस ग्रीन को रेड के ऊपर रखेंगे और इसको आगे कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैं एक बार और आपको बताती हूँ, इसको ऐसे करिए इसके ऊपर और इसको ऐसे, और हम फिर से ये साइड सीधी साइड में आ गए और ये अब हम इसको उल्टा उल्टा बीन लेंगे और इस फंदे को थोड़ा टाइट खींच के रखेंगे दोनों साइड से और ये पूरी लाइन हमको बीननी है। ये हम रेड वाले पूरे फंदे बीन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हमको ये रेड वाले पूरे फंदे हमने सीधी सिलाई में पूरे बीन लिए, सीधी साइड हमारी जैसी है वैसे ही रहती है। अब हम ये ब्लू फंदे नहीं बीनेंगे, ये हमने ब्लू के तीन फंदे छोड़े थे, इनको हम नहीं बीनेंगे और यहीं से धागा घुमा के साइड ले लेंगे। अब हमारी डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए अब हम दो फंदे बिना बुने उसमें उतार लेंगे, एक दो, ये दो फंदे हमने ले लिए और इस धागे को टाइट करके इसको थोड़ा एक बार ऐसे करना और फिर ऐसे करके बीन लेना, नहीं तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी। और ये दो फंदे हमने छोड़ दिए और बाकी फंदे हम बीन लेंगे।
इसी तरह से पूरी उल्टी उल्टी हम ये सलाई बना लेंगे। अब हम दो फंदे इस साइड में भी छोड़ देंगे, ये दो फंदे हम इस साइड भी छोड़ेंगे, दो फंदे इस साइड भी छोड़ेंगे। इस डिजाइन में दोनों तरफ दो दो फंदे छोड़ते हैं। अब हम फिर से ये साइड में आ गए और ये पूरा उल्टी सीधी साइड हमारी है, इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये हम दोनों साइड उल्टा उल्टा बना रहे हैं इसलिए ये हमारा सीधा साइड है, इसलिए इसको हम पूरे जैसा है वैसे बनाना है। ये देखिए हमने बिन लिए, वो जो दो फंदे हमने छोड़े थे उनको नहीं बिनना है। ये देखिए यहाँ तक बिना और धागा यहाँ से घुमा लिया। उस बार हमने दो छोड़े, दो उस बार भी छोड़ देंगे। ये देखिए एक दो, दो फंदे हमने फिर से छोड़ दिए, ये हमारे चार फंदे छूट गए। अब ये पूरी लाइन हम फिर से ऐसे ही बनेंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए पूरी सलाई, और इस साइड में भी दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए तो हमारे दोनों तरफ चार चार फंदे छूट गए और इस धागे को आगे यहीं से कर लेंगे। ये देखिए अब फिर से हम इसको उल्टा उल्टा बेल लेंगे। पूरा साइड ये ऐसे ऐसे हम बना लेंगे। ये देखिए बिन लेंगे। ये देखिए अब हमने ये फिर से बिन लिए, हमने दोनों साइड दो दो फंदे छोड़े थे। अब ये देखिए हमारे ये चार फंदे छूट गए और धागा हम यहाँ से घुमा के फिर से लाएंगे। अब हम फिर से दो फंदे उतार लेंगे, एक दो, ये दो फंदे हमने उतार लिए और फिर से पूरी लाइन ऐसे बिन लेंगे। तो हमारे इस समय चार फंदे बचेंगे, एक दो तीन चार, और ये हमने दो फंदे छोड़ दिए। हमारी दोनों तरफ दो छः छः फंदे छूट गए, छः इधर छः इधर, और ये चार फंदे, इन चार फंदों को हम फिर से बिन लेंगे। ये देखिए इस साइड में अभी हम इसको चारों फंदे बिन लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार, ये हमने चारों फंदे बिन लिए और धागा यहाँ घुमा के, ये देखिए इस साइड में ऐसे। अब हम ये दो फंदे जो बिना बुने थे उनमें से ले लेंगे, एक दो, ये दो फंदे, अब इनको हम फिर से बिन लेंगे। ये देखिए एक, ये दो बिना बुने फंदे ले लिए। अब हमने दो इस साइड से फंदे बिना बुने लिए और वो चार फंदे हमारे वो तो अभी हो गए ये हमारे छः। अब दो फंदे हम यहाँ से लेंगे बिना बुने लिए, तो ये हमने आठ फंदे बिन लिए। अब हमने जो दो दो फंदे छोड़े थे, इधर दो, वो अब हम हर सलाई में ये इधर उल्टी साइड में दो दो फंदे, सीधी साइड तो हम ऐसे ही बिनेंगे, उल्टी साइड में आके दो इधर का लेंगे। अब हम ये फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के कर देंगे। ये देखिए ये आपको ध्यान से बनाना है और इसको बिना बुने उतार लेंगे, इसमें पिरो लेंगे और बाकी फंदे हम अपने ये आठ फंदे बिन लेंगे। ये देखिए हमने आठ फंदों का वो किया था, ये देखिए आठ फंदे हो गए हमारे, इनको हम बिना बुने बिन लेंगे। जैसी सीधी सलाई में तो हमारी जैसी है वैसे बनाना है, जितने फंदे हैं उतने बिनना। ये हमने बिन लिया, अब हम ये फंदा उतारेंगे और इसको धागा ऐसे करके इस साइड में, फिर ये एक फंदा, ये हमारे दो बिना बुने फंदे हैं, इसके बीच से हमने निकाल लिया और ये फंदे को भी हम इसमें पिरो लेंगे। ये देखिए और टाइट करके इसको बीन लेंगे, ये एक दो, ऐसे करने से हमारी ये बीच में छेद नहीं पड़ता है। और ये पूरा हम फिर से उल्टा उल्टा ये इधर बीनेंगे। ये हमारी साइड है, ये देखिए अब हमने इधर के फंदे बीन लिए। अब इधर से हम दो फंदे बिना बुने ले लेंगे। ये देखिए एक, ये दो फंदे हमने ले लिए। हर बार हमें दो फंदे इधर से, दो फंदे इधर से। अब हमारे दो फंदे इधर भी बच गए हैं और दो फंदे वो साइड में। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, ऐसे घुमा के अब फिर से इसमें पिरो लेंगे। ये देखिए इस तरह से पिरोया, अब अगला फंदा हम बेल लेंगे। अब पूरी लाइन हमें, ये तो हमारी सीधी साइड आ गए हम, तो जैसी है वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बना लिए। अब हमारे ये दो फंदे रह गए हैं रेड वाले, तो इस फंदे को सेम उसी तरह से ये धागा उतार के इसके बीच से निकाल लेंगे और ये एक फंदा फिर से इसमें पिरो लिया और इसको हम फिर से उल्टा उल्टा ये देखिए बीन लेंगे। ये देखिए एक दो, ये हमने दो फंदे बीन लिए। अब पूरी लाइन अब
इस बार हमने धीरे धीरे करके दो दो दोनों तरफ से लेके पूरे रेड के फंदे उठा लिए। ये देखिए पूरी लाइन हमने इस तरह से बनाई है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए ये हमने पूरा फंदे हमने पूरे लास्ट तक बीन लिए। ये देखिए ये हमने पूरे लास्ट तक बीन लिए। अब हमको सेम उसी तरह से करना है। ये अब हमारा इस फंदे को फिर से हम इसके ऊपर से निकाल के और रेड वाले को आगे करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब हम ये देखिए अब हम ये रेड फंदा बीन लेंगे ये इस तरह से और इसको खींच देंगे ये। और ये पूरी लाइन इधर से हम उल्टी उल्टी सीधी साइड है। अब हमें पूरे रेड के हमने दो दो करके उठा लिए जिस तरह से हमने दो दो फंदे छोड़े थे। अब ये हमारी एक कली तैयार हो रही है बन के। ये देखिए इस तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बीन लिए। ये देखिए हमने पूरे फंदे बीन लिए। अब हम इस फंदे के बीच से ऐसे धागा निकाल लेंगे ये रेड कलर का। ये देखिए सॉरी ये अब हमने बीन लिए। अब इसको पीछे करेंगे और ये ब्लू वाले को आगे लाएंगे क्रॉस में और टाइट रखेंगे और ऐसे ये तीनों फंदे अब हम ये देखिए इस तरह से बीन लेंगे। ये देखिए हमने बीन लिए। अब इधर से ये देखिए हमारी ये भी कली तैयार हो रही है। जब ये हमारा डोरमेट बन के तैयार होता है बहुत खूबसूरत डोरमेट लगता है रंगोली डिजाइन में। ये देखिए इसको ऐसे घुमाया। अब हम ये ब्लू से पूरा बीन लेंगे लास्ट तक। ये देखिए ये इस तरह से और इसको ये फंदे को टाइट रख खींच लेंगे क्योंकि इसको ऐसे करके और बाकी सब हम फिर से एक बार नीचे किया तो ये यहाँ पे टाइट हो जाता है और पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये डोरमेट की थोड़ी सी बारीकियाँ हैं इसे करने से हमारे डोरमेट में बहुत सुंदरता से बनता है। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कोई आपको बताएगा भी नहीं। ये देखिए इस तरह से ये ऐसे किया। अब ये हमने पूरे ब्लू के फंदे बीन लिए। अब हमारी और हम बाकी ये फंदे अब इस बार इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से पूरा लास्ट तक बुन लेंगे। ये हम ग्रीन वाले भी सारे फंदे लास्ट तक बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने आठों फंदे बीन लिए। ये ग्रीन के आठ फंदे हमने फिर से बीन लिए। ये देखिए हमारी तैयार हो रही है कली। अभी अभी बाकी है मैं अभी बताऊंगी। ये देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे बीनेंगे नहीं। ये आप कोई से भी डोरमेट में इस तरह से करिए तो हमारे बीच का जो सर्कल है वो छोटा और बहुत सफाई से बनता है। ये देखिए और पूरे फंदे हम सीधी सिलाई तो हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है इसमें कुछ करना भी नहीं है। ये देखिए ये हमने ग्रीन वाले पूरे बीन लिए इसको पीछे किया। अब हम फिर से ब्लू वाला धागे को आगे लाएंगे इस तरह से खींच के और ये हम पूरा उल्टा उल्टा ये देखिए इस तरह से हम बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से और ये पूरी लाइन हमको जैसी है वैसे ही बनाना है। ये देखिए हमने पूरा बीन लिया लास्ट। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। अब ये देखिए हम उल्टी साइड में आके अब देखिए हम क्या करेंगे। ये फंदा उतार लिया और धागे से अब ये हमारी एक कली बन के तो तैयार हो गई है। अभी हमें इसके बीच का भरना नहीं तो हमारे डोरमेट में झोल आएगा सिकुड़ा रहेगा सिकुड़न आएगी इसलिए अब हम
ये तीन फंदे जो हमने एक्स्ट्रा डाले थे वो गए। अब जो कली हमने 16 फंदे की बनाई थी तो 8 फंदे हम इसके ले लेंगे, आधे इस कली के आधे, तो 8 फंदे हमने ले लिए और तीन ये, तो 11 फंदे हो गए हमारे टोटल 11 फंदे, तो तीन ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमने 11 फंदे बीन लिए, ये हमने आधे फंदे बीन लिए। ये कली हमने 16 की बनाई थी तो इसके 8 फंदे और प्लस 3 फंदे जो एक्स्ट्रा थे, इसलिए हमने हाफ फंदे ले लिए, 11 फंदे। और अब हम फिर से इधर सीधी साइड में आगे और पूरा जैसा है, अब ये फंदे हम नहीं बीनेंगे, अब हम ये फंदे, अब ये हमें आधे फंदे नहीं बीने, अब ये आधे फंदे हमें बीनने हैं, तो ये हमने बीन लिए। ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरे फंदे ये हमने बीन लिए, ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से उल्टी साइड में आके और ये एक फंदा उतारेंगे हर बार, और उस बार हमने 11 फंदे बीने थे, अब हम एक फंदा कम कर देंगे, अब हम 10 बीनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये देखिए ये 11 फंदे ही हमने एक फंदा छोड़ दिया, और इधर घूम के सीधे साइड में फिर से हम आ गए, और इस साइड में हमें वैसे ही बिनना है जैसा है वैसे ही, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए पूरा हमने इस तरह से बिन लिया फिर से, ये देखिए। अब हम फिर से इसी उल्टी साइड में ये फंदा उतारेंगे और धागे को ऐसे करेंगे, और ये फिर से उस बार हमने एक फंदा छोड़ा, हमने 10 बीने थे, अब हमें एक फंदा फिर से छोड़ना है, तो 9 फंदे बीनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये देखिए हमने 9 फंदे, और धागा यहाँ से घूम के फिर से हम उस साइड करेंगे, सीधी साइड पूरी जैसी है वैसे ही बनाना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमने पूरी सीधी साइड बीन ली। इसी तरह से हमको हर बार एक एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक आना है, जब हमारे पास 2 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से इस तरह से हर सलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए हमें ऊपर की तरफ आना है। ये देखिए इस बार हमने 9, ये इस बार भी हमने, ये देखिए 8 फंदे हो गए हमारे, और ये सीधी साइड तो जैसी है वैसे बनाना, हमें हर सलाई में एक एक फंदा छोड़ना है इस तरह से। ऐसे उतारा और ऐसे किया, और इस धागे को ऐसे, और पूरा हम फिर से, ये देखिए ये हमने फिर से एक फंदा छोड़ दिया, ये देखिए हमने ऐसे करके हमारे ये 4 फंदे छूट गए हैं, और सीधी साइड हमारी जैसी, इसी तरह से हम पूरे बनाएंगे और हर सलाई में एक एक फंदा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से सीधी साइड जैसी है वैसे ही बनाना है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें हर चीज़ उल्टी ही साइड में डिजाइन डालते हैं और उल्टी ही साइड में करेंगे। अब ये इस तरह से मैं पूरे फंदे छोड़ के आई, जब मेरे 2 रह जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये हमने हर सलाई में एक एक फंदे करके छोड़ दिए, अब ये हमारे 2 फंदे रह गए, अब हम ये 2 फंदे इस तरह से बुन लेंगे, अब ये 2 फंदे हम नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब हम ये देखिए हमारी ये एक कली बन के तैयार हो गई है, अब हम सेम उसी तरह से जैसे शुरुआत में किया था सेम उसी तरह से फिर से रिपीट करेंगे। ये धागा ऐसे लेंगे, ऐसे बिनेंगे, और ये पूरी लाइन हम, ये हमने एक एक करके पूरे फंदे छोड़ दिए, अब हम फिर से बिन लेंगे पूरी लाइन इस तरह से उल्टी उल्टी, और ये देखिए हमें
ये जो फंदे हमने छोड़े थे वो अब बिल्कुल लास्ट तक हम पूरा बीन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे ब्लू वाले फंदे ये हमने बीन लिए, और ये फंदे को हम ऐसे करेंगे इसके नीचे, और इसको नीचे से पूरे ये हम बीन लेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा। ये देखिए हम बीन लेंगे और दो फंदे हम छोड़ देंगे। पूरा भी ना था हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है, दो फंदे छोड़ के हम पूरा उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए इधर धागा घुमाया और ये फिर से ऐसे करके, और ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे। सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ शुरुआत किया था, दो दो करके हम ये फंदे छोड़ेंगे, छह फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद में हम ये पूरे छह फंदे छोड़ देंगे ऐसे, एक दो तीन है, ये हम छह फंदे छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम रेड कलर इसमें लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दो दो करके ये छह फंदे छोड़े थे ग्रीन के, एक दो तीन, ये हमने छह फंदे छोड़े फिर रेड लगाया। इसी तरह से फिर हम आगे रिपीट करेंगे और हम इसी तरह से बनाएंगे तो हमारा ये खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये पूरा डोरमेट बना लिया है, ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हो गया है। अब हमारी ये देखिए हमने इसमें भी एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए, अब ये हमारे दो फंदे बिना बुने वाले रह गए हैं। अब हम इसको पूरा रिपीट नहीं करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम पूरा, ये देखिए अब हम यहीं से फंदे घटाएंगे। ये हमने दो दो कर एक एक करके सारे फंदे छोड़े और ये पूरा, अब हमको सेम इसी तरह से घटा देना है और हमको ये पूरी लाइन नहीं बनानी है, इसलिए अब हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए इस तरह से दो फंदे का एक, ये देखिए एक, ये देखिए हमने दो फंदों को एक साथ लेके इस तरह से बना दिए। अब हम इसी तरह से पूरा घटा देंगे, ये ग्रीन ये ब्लू वाले पूरे ब्लू से और ग्रीन वाले ग्रीन से घटाएंगे, और ये देखिए ये हम दो का एक कर लेंगे। इस तरह से हम मैं आपको पूरा घटा कि ब्लू वाले पूरे ब्लू से और ग्रीन वाले ग्रीन से दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारे फंदे इस तरह से घटा दिए, ये ब्लू वाले ब्लू से और ग्रीन वाले ग्रीन से। ये देखिए अभी ये हमारा ये डोरमेट तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे सिलाई मार देंगे, ये ग्रीन वाले धागे से यहाँ तक ग्रीन तक, और ये ब्लू वाले को ब्लू से, और ये हमारा खूबसूरत सा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सही से।